नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी विधायक प्राथमिकता की बैठक के 29 और 30 जनवरी की तिथि तय। विधायक प्राथमिकता की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में वार्षिक बजट 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा। ये बैठक 2 दिन तक होगी। बैठक का आयोजन 29 और 30 जनवरी को राज्य सचिवालय में किया जाएगा। 29 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सोलन, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 30 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिलों सहित दोपहर 2 से 5 बजे तक शिमला और मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2024-25 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने धनेटा में 7.60 करोड़ रूपए की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय धनेटा के बी ब्लॉक के भवन के साथ धनेटा में 2.29 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति BWSE भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1.21 करोड़ रूपए की लागत से बने उठायु पेयजल परियोजना जनसमूह का लोकार्पण किया। धनेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धनेटा कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के खरीड़ी में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। SP मोहित चावला व सौम्य सहित 3 IPS अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा सरकार ने बनाया DIG। राज्य सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 2010 बैच के 3 IPS अधिकारियों को DIG पद पर पदोन्नत किया है। इनमें SP पुलिस जिला बद्दी मोहित चावला, SP मंडी सौम्या शाम सिवन और SP स्टेट विजिलेंस मंडी रौलनाथ शामिल है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रभोज सक्सेना की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किए गए कि अधिकारियों के आगामी तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं सरकार पुलिस विभाग में जल्द ही व्यापक फेरबदल भी कर सकती है। इसके तहत कुछ वरिष्ठ IPS अधिकारियों के साथ ही कुछ जिलों के SP भी इधर उधर किए जा सकते हैं। कुछ ASP और DSP के तवालों को लेकर भी सूची तैयार किए जाने की सूचना है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा भी मिल सकता है। SP मंडी BA BSc और BCOM अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट जारी। SP मंडी ने विभिन्न कक्षों के लिए अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसमें BA BSc BCOM और अन्य कक्षों की अनुपूरक परीक्षाएं होगी। BA BSc और BCOM की परीक्षाएं 8 फरवरी से 13 मार्च तक करवाई जाएगी। ये परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम के समय 2 से 5 बजे तक होगी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक इंजीनियर सुनील वर्मा ने कहा कि अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई और सरदार पटेल विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को समाज में तेजी से कार्य करना है। महिलाओं को राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश करना चाहिए। कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। अच्छी बात यह है कि आने वाले 5-7 साल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। मंगलवार को ओक ओवर शिमला से इनर व्हील क्लब की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 की ओर से आयोजित कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 नए मंत्रियों को सौंपे विभाग, 3 मंत्रियों के विभागों में लगाया काट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 3 मंत्रियों से 3 विभाग वापस लेकर 2 नए मंत्रियों को सौंपे है। उन्होंने करीब 1 माह बाद अपने 2 नए मंत्रियों
राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को विभागों का आवंटन किया है। इन दोनों मंत्रियों ने 12 दिसंबर 2023 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। राजेश धर्माणी अब नए तकनीकी शिक्षा वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री होंगे, जबकि यादवेंद्र गोमा को आयुष के साथ युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान से आयुष, रोय ठाकुर से तकनीकी शिक्षा व वोकेशनल ट्रेनिंग तथा विक्रमादित्य सिंह से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को वापस लिया है। अब विक्रमादित्य सिंह प्रदेश सरकार में अकेले ऐसे मंत्री है जिनके पास एक ही विभाग रहेगा। विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही, 20,000 रूपए रिश्वत लेते मानपुरा पुलिस थाना का SHO रंगे हाथों गिरफ्तार। जिला बद्दी पुलिस के तहत मानपुरा SHO सब इंस्पेक्टर ललित कुमार को विजिलेंस ने 20,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही विजिलेंस थाना बद्दी DSP डॉक्टर प्रतिभा चौहान ने अमल में लाई है। अब विजिलेंस मामले की आगामी जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि थाना मानपुरा में तैनात सब इंस्पेक्टर माइनिंग मामले को लेकर रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद तुरंत टीम ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर जाल बिछाया और थाना प्रभारी को पुलिस स्टेशन के अंदर ही सीट पर ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब विजिलेंस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। SP विजिलेंस अंजुम आरा ने मामले की पुष्टि की है। DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के तवालादेशों को वापिस लेने से हाईकोर्ट का इनकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तवाला करने से जुड़े आदेशों को वापिस लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस के दोनों आला अधिकारियों के तवालों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें कोई कारण प्रतीक नहीं होता है कि दोनों अधिकारियों के तवाले संबंधी आदेशों को वापिस लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दू की खंडपीठ ने जांच को CBI के हवाले करने की दोनों अधिकारियों की दलीलों को भी नकार दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कारोबारी निशांत शर्मा द्वारा अपने ऊपर जानलेवा हमले से जुड़े आरोप और संजय कुंडू द्वारा अपने ऊपर लगाए मानहानि के आरोप से जुड़ी प्राथमिकताओं की जांच में समन्वय स्थापित करने हेतु IG स्तर के अधिकारियों की SIT का गठन करने पर विचार करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिए कि कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। 12 जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट बने सीनियर लेक्चरर असिस्टेंट पदोन्नति आदेश जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने 12 जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट को सीनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर पदोन्नत कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान इन्हें नए स्टेशनों पर भी तैनाती दी गई, साथ ही 5 दिनों में नए स्टेशन पर ज्वाइन करने को कहा गया है। सिरमौर की सिलाई में बोलेरो खाई में गिरी युवती सहित 2 की मौत, 17 घायल है। सिरमौर जिले की सिलाई में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर एक बोलेरो कैंपर के खाई में गिरने के कारण एक युवती सहित 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल है। घायलों को सिलाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें पोंटा साहिब सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वेदर अपडेट, शिमला के कुफरी में नए साल का पहला हल्का हिमपात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कुफरी में मंगलवार दोपहर बाद एकाएक मौसम बदलने से नए साल का पहला हल्का हिमपात हुआ है। कुछ देर तक हुई बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई। राजधानी शिमला में कुछ देर बूंदाबांदी हुई। शिमला मार रोड, संजोली, ढली और जाखू की फाड़ी में बर्फ के फाये गिरे। उधर प्रदेश के मैदानी जिलों में घना कोहरा पड़ना लगातार जारी है। कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना के कई क्षेत्रों में सुबह 11 बजे के बाद धूप निकली। सोमवार रात को प्रदेश के 5 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। पूरे प्रदेश में न्यूनतम पारा 7 डिग्री से कम हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार से प्रदेश भर में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान और चढ़ने के आसार भी जताए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कब जारी होंगे रुके हुए रिजल्ट, साल भर से 1-2 हफ्ते का समय मांग रहे हैं CM। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सरकार ने भर्ती परीक्षा के परिणामों को रोक कर रखा है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री 1 साल से युवाओं को 1-2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में युवा भी सरकार से पूछ रहे कि भी समय कब आएगा।
सत्ता में आती मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन नतीजा सुने हैं। आज युवा भड़कने के लिए मजबूर है। ओपीएस की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की क्रामिक भूख हड़ताल शुरू। ओपीएस की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने मंगलवार को शिमला रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद रेलवे कर्मचारियों ने नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के बैनर तले क्रामिक भूख हड़ताल शुरू की। यूनियन के कालका शिमला ब्रांच के समन्वयक नरेंद्र ने कहा कि लंबे समय से रेलवे कर्मचारी ओपीएस बहाल करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगातार मांग को अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि यूनियन के पदाधिकारियों की सरकार से वार्ता हुई और केंद्र सरकार ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और एनपीएस को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि ये क्रामिक भूख हड़ताल 11 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद यूनियन के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो भी आगामी निर्णय लेंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 16 जनवरी को रणनीति बनाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 16 जनवरी को रणनीति बनाएगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और पार्टी विधायक मौजूद रहेंगे। पार्टी के सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी कांग्रेस प्रत्याशी भी बैठक में बुलाए गए हैं। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में होने वाली इस बैठक में बूथ स्तर से चुनाव प्रचार शुरू करने का ऐलान किया जाएगा।